बजट में आम लोगों को राहत की घोषणा करने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली आज बड़ी राहत दे सकते हैं। दिल्ली में गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक है। इस बैठक में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 70 से भी ज़्यादा चीज़ों पर जीएसटी रेट कम किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इस बैठक में रियल इस्टेट और पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं। जिन चीजों के रेट घट सकते थे उनमें घरेलू चीजों, खेती में काम आने वाले सामान, सिंचाई से जुड़े हुए सामान और मशीनें, हथकरघा के सामान और सीमेंट व स्टील जैसी चीजें शामिल हैं। इस बैठक में रियल इस्टेट और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि बैठक में जीएसटी काउंसिल इस बारे में कोई फैसला करके इसे लागू करने के लिए तारीख का ऐलान किया जा सकता है। अनुमान है कि सरकार रियल इस्टेट पर 12% जीएसटी लगा सकती है। जीएसटी के बारे में व्यापारियों और दुकानदारों की शुरू से यह शिकायत रही है कि उन्हें जीएसटी के लिए कई फॉर्म भरने पड़ते हैं। संभावना है जीएसटी काउंसिल जीएसटी के 3 फॉर्म को एक में ही शामिल कर लेगी, जिससे यह प्रक्रिया आसान हो सके। जीएसटी काउंसिल की बैठक ऐसे समय पर होने जा रही है जब सरकार लगातार जीएसटी में कम राजस्व आने की चुनौती से जूझ रही है। जीएसटी लागू होने के बाद आम बजट में टैक्स में बदलाव होने की वजह से चीजों के सस्ता और महंगा होने का सिस्टम खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जीएसटी काउंसिल ही तय करती है कि किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा। आम बजट में अब सिर्फ सरकार के आमदनी और खर्च का लेखा जोखा और साथ ही डायरेक्ट टैक्स ही बचा है, जिस पर लोगों की निगाहें होंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यह वित्त मंत्री अरुण जेटली का आखिरी पूरा बजट होगा, इसलिए यह माना जा रहा है कि बजट से पहले होने वाले जीएसटी काउंसिल की इस बैठक से वित्त मंत्री आम लोगों को राहत देने वाले कई फैसले कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या होता है इस बैठक में। हाय नमस्ते, दिस इज नेहा वग्गा एंड यू आर वाचिंग ग्लिप्स न्यूज़। या हाय, मैं हूं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं ग्लिप्स चैनल मेरे साथ। So keep watching. Love you guys. Hi, I'm Alok Narula. और मैं हूं अंशु नरोला और आप देख रहे हैं ग्लिप्स न्यूज़।